नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11. हमें ये बताना है कि जो गिवन थ्री पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं. तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेंगे कि पॉइंट ए 1 और 5 है, पॉइंट बी 2 और 3 है और पॉइंट सी कौन सा है, -2 एंड -11. तो अब हम दो दो के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे. हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ए बी. तो ए बी के लिए ये x1 ये y1, ये x2 ये y2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 - 5 होल स्क्वायर. तो 2 - 1 कितना जाएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा -2 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास √5. ये आ गया ए बी के बीच की डिस्टेंस √5 यूनिट, लिख देते हैं हम √5 यूनिट्स. अच्छा, उसके बाद हम बी सी निकालेंगे. बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट, देखो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो -2 - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 और -3 होल स्क्वायर. -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4 होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, ये -4 होल स्क्वायर और ये कितना आएगा -14, तो ये -14 का होल स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 212. अब 212 को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 212 है इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 ये 0 और 2 6 12 फिर 2 5 10 और 2 3 6. मीन इसको क्या करेंगे, रूट में जब हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 53 तो कितना आ जाएगा, 2 2 है तो इसका तो 1 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√53 यूनिट आ गई बी और सी के बीच की डिस्टेंस आ गई है. बी सी आ गया. अब क्या निकालेंगे, सी ए निकालेंगे. अब क्या निकालेंगे, सी ए. अब क्या जाएगा ये सी ए, ये सी है और ये क्या है ए, ये एक्स वन ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू. तो -2 - 1 होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर. तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे -3, तो -3 का होल स्क्वायर और ये कितने हो जाएंगे -16 होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 का कितना हो जाएगा 256 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 265 इतने यूनिट्स. तो देखो कोलिनियर के लिए जब हमने कंडीशन बताई थी इंट्रोडक्शन में आपको कि कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है, तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर एक के इक्वल आ जाए तो कह देंगे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. तो देखो ए बी कितना आ रहा है √5 यूनिट्स, बी सी कितना आ रहा है 2√53 यूनिट्स और सी ए कितना आ रहा है हमारा 2√265 यूनिट. तो क्या ऐसी कोई डिस्टेंस है जिन दो को सम करें तो एक के इक्वल आ जाए, नहीं आ रही, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. तो लिख देंगे हैंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है. इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया.